अजीत वक्त टीवी देखने वाले समूह दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। मैं हाँ सुरिंदर पाल सिंह वरपाल। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के विच इस वेले कहर मचाया होया है ते आए दिन ही सानू बहुत सारिया मौतों दीयां खबरां प्राप्त हो रही ने, जिस दे नाल हरेक इंसान दे विच डर ते सहम दा माहौल देखा जा सकता है। सो अज असीं गल करांगे अमृतसर साहब दी, जिथे बहुत राहत वाली खबर जिहड़ी है वह सामने आ रही है, क्योंकि पिछले 5 दिनों तो अमृतसर के कोई भी नवा मरीज सामने नहीं आया, जिस दे लई जिथे डॉक्टर साहबान राहत महसूस कर रहे हैं उत्थे ही इलाका वासियों के भी एक खुशखबरी वाली खबर जी है लोगों तक पहुँच रही है, लोग सुखद महसूस कर रहे हैं। सो अमृतसर की जेकर गल की जाए तो बीते दिनों के इतने 10 के करीब जोड़े मरीज ने वक् वक् हस्पतालों के दाखिल ने, जिस दे मरीज जोड़े ने फोर्टिस हॉस्पिटल एडमिट ने, तो जल्द सेहत जाब जी ने हो जा रहे हैं। सो इस तो अलावा तकरीबन 4 अजे मरीज ने जोड़े गुरु नानक देव हस्पता विखे जिरे इलाज हैं। बहुत सारे इलाकों के स्क्रीनिंग जी वो बीते दिनों तो चल रही थी, प्रशासन वालों फैसला किया गया से। सो अमृतसर अजिहा पहला शहर से पूरे देश का जिथे स्क्रीनिंग जी कराने का जरा प्रशासन ने फैसला किया से। तकरीबन 12,000 घरां दे विच स्क्रीनिंग जिहड़ी है कीती गई है, तो 53,000 तो वधेरे लोग जिहड़े सी उन्हां दा चैकअप किया गया, जिस दे विच भी राहत जिहड़ी है वह सामने आई है, महसूस हुई है, क्योंकि कोई भी मरीज इस स्क्रीनिंग दौरान भी सामने नहीं आया। सब तो वड्डी गल यह सामने आई है क्योंकि जिहड़े इलाकों दे विच स्क्रीनिंग कीती गई सी वह इलाके प्रभावित सन, जिहड़े पद्म श्री भाई निर्मल सिंह जिहड़े बीते दिनों दौरान कोरोना वायरस के करके इस फानी संसार नूं अलविदा गए सन। उस तो इलावा ऐसी जसविंदर सिंह जिहड़े कोरोना पॉजिटिव सन, उन्हां दी भी डैथ हो गई सी। सो उन्हां नाल संबंधित इलाकों की स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया गया सी। सो वक् वक् विभागों दी टीमां जिहड़ियां सी तालमेल बना के उन्हां वल्लों बकायदा प्रॉपर तौर पर चैकअप किया गया, तो इस दौरान एक दो मरीज जिहड़े सामने आए सी उन्हां दा टैसट करवाया गया, तो वह भी नॉर्मल हालत जिहड़े ने सामने आए ने। तो कुछ मरीज जड़े अजे सन जिन्होंने हल्के तौर पर खांसी और जुकाम से उन्होंने घर रहने की भी सलाह दी गई। सो कुल मिला के देखा जाए तो इस स्क्रीनिंग दौरान भी कोई भी मरीज सामने नहीं आया जिहड़ा पॉजिटिव होवे जां जिस दे विच कोरोना वायरस के लक्षण होण। सो इस तो इलावा बीते दिनों के कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क के जिहड़े लोग आए सन उन्होंने घर क्वारंटाइन किया गया से, जिसकी गिनती 100 तो वधेरे सी, समय समय के मुताबिक सेहत विभाग वालों उन्होंने मरीजों के नाल संपर्क किया जाता सी, रोजाना उन्हां दी जिहड़ी सी डिटेल वो लई जाती सी। सो उन्हां दा जिहड़ा क्वारंटाइन टाइम सी वो भी अज पूरा हो गया है, तो राहत वाली खबर वो भी सामने आ रही है कि उन्हां दे विच्चों भी कोई भी मरीज जिहड़ा है पॉजिटिव सामने नहीं आया। सो कुल मिला के देखा जाए तो अमृतसर वास्ते बहुत राहत वाली खबर जिहड़ी है वो ये है कि अज दी डेट दे विच पिछले 5 दिनों तो कोई भी नवा मरीज सामने नहीं आया। सो पंजाब सरकार वालों वक् वक् जोन जिहड़े ने बनाए गए हैं, जिस दे विच अमृतसर नूं ऑरेंज जोन दे विच रखा गया है, क्योंकि 15 तों घट मरीज जिथे होणगे उन्होंने ऑरेंज जोन दे विच रखा गया है, तो जिथे 15 तों वधेरे मरीज सामने आते हैं उन्होंने रैड जोन दे विच रखा गया है। सो इस प्रकार ही जिन्हां इलाकों दे विच कोई भी मरीज सामने नहीं आया उसनों ग्रीन जोन दे विच रखा गया है। सो सब तो वड्डी गल इह है कि जेकर आउंदे तकरीबन 5 दिनों दे विच भी जेकर नवा मरीज कोई सामने नहीं आउंदा अते इस दौरान जिहड़े जिरे इलाज मरीज ने उन्होंने छुट्टी मिल जाती है वह सेहतयाब हो जाते हैं, तो अमृतसर जल्द ही ग्रीन जोन के आ जाएगा। सो सब दिया दुआवां जिहड़ियां ने रंग लिया रही ने, प्रशासन की कीती हुई जिहड़े सफल उपराले ने वह भी इस वेले दिखाई दे रहे हैं। सो कुल मिला के हरेक इंसान का जिहड़ा है कितना कितना सहयोग है वह सामने जरूर आ रहा है, उन्होंने वालों कोरोना वायरस की जंग के लड़न के लिए अपना बाखूबी उपराला जिहड़ा सी वह किया गया। सो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले दिनों के अमृतसर वासियों के लिए एक राहत वाली खबर होगी, क्योंकि जदों ऑरेंज जोन तो ग्रीन जोन के अमृतसर आ जाएगा। सो अज की डेट के कोई भी नवा मरीज सामने नहीं आया। सो सब तो पहला अमृतसर के जिहड़ा मरीज आया सी पूरे पंजाब का वह इटली तो आया सी, हुशियारपुर के नाल संबंधित सी, तां इत्थों दे डॉक्टर साहबान वालों की गई मेहनत सदका एक पहला मरीज जिहड़ा पंजाब का सी वह इत्थों सेहतयाब हो के अपने घर इस वेले अपने परिवार के बहुत ही वधिया जिंदगी बतीत कर रहा है। सो ये जिहड़ा है माण वह ही अमृतसर के डॉक्टरों नूं मिलिया सी। सो बहुत सारे उपराले जिहड़े लगातार प्रशासन कर भी रहा है, वक् वक् जथेबंदियां जिहड़ियां ने वह घरां दे विच राशन पहुँचा रही ने, पुलिस प्रशासन वालों दिन रात मेहनत की जा
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।